स्विम करने के लिए मैं तैयार होकर सारा सेफ्टी हार्नेस पहन के है। वहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज, ये ग्लास ब्रिज से काफ़ी नीचे है क्योंकि ये पूरी तरीके से लकड़ी का ब्रिज है और काफ़ी ज़्यादा हिलता है। तो गाइस ग्लास ब्रिज तक पहुंचने में ही हमारी हालत ख़राब हो गई है और ग्लास ब्रिज घूमते घूमते अभी हम लोग सस्पेंशन ब्रिज के पास आ गए हैं, तो चलिए वहां भी घूम लेते हैं और उसके बाद हम लोग जिप लाइनिंग करने चलेंगे जो कि यहां से 2 किलोमीटर दूर है, तो चलिए हमारे साथ। और हाँ गाइस, जितने भी यहां पे टूरिस्ट प्लेस है फ़िलहाल यहां की, तो इसे वैभवगिरी माउंटेन रेंज पे ही बनाया गया है और अभी भी यहां पे सड़क का काम चल रहा है। देख रहे हो आप, पहाड़ को काट के यहां पे रोड बनाया जा रहा है और इसका यहाँ से टॉप से व्यू देखो गाइस, मैं इसके सेल्फी स्टिक को एकदम पूरा लंबा करके दिखाता हूँ। देखो गाइस, वो रहा है वहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज, ये ग्लास ब्रिज से काफी नीचे है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह भी बनाए गए हैं जो कि देखने में काफ़ी अजीब लगते हैं। ये रात को कोई इसे देखेगा तो पक्का डर जाएगा। आप देख सकते हो कैसे इसे पेंट किया गया है। हाँ तो दोस्तों, ये रहा सस्पेंशन ब्रिज का मेन एंट्रेंस। तो गाइस ये देखिए, ये रहा सस्पेंशन ब्रिज और इसकी शुरुआत से ही ये काफ़ी हिल रहा है। इसका जो फ्लोर आप देखोगे तो वो पूरी तरीके से लकड़ी से बना हुआ है जिसके ऊपर प्लास्टिक का परत लगाया गया है और आप देख रहे हो ये काफ़ी हिल रहा है। और थोड़ा काफ़ी ये हिल रहा है, लग रहा है जैसे मैंने नशा कर लिया है। ग्लास ब्रिज की तरह ही दोस्तों यहाँ पे एक बार में 10 से 12 लोगों की ही एंट्री दी जाती है क्योंकि ये पूरी तरीके से लकड़ी का ब्रिज है और काफ़ी ज़्यादा हिलता है, इसलिए यहाँ पे इतने कम लोगों की एंट्री है। अभी मैं इसकी टॉप ऑफ द व्यू आपको दिखाऊंगा। देख सकते हो गाइस कितनी ज्यादा ये ब्रिज हिल रही है। सही पकड़ा हो तो चलाओ, आप लोग इधर आ जाइए। हाँ तो गाइस, सस्पेंशन ब्रिज के इधर कुछ यहाँ बैठने के लिए जगह बनाया गया है और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सारी स्टैचू भी लगाई गई है। उन्हीं में से एक स्टैचू आप देख सकते हो, ये है चीता का स्टैचू। गाइस इस साइड भी आपको कुछ इस तरह का पुतला नजर आएगा। यहाँ पे ह्यूमन स्टैचू के साथ ही आपको कुछ जानवर के भी स्टैचू नज़र आएंगे। आप देख सकते हो नीचे में एक हाइना का एक स्टैचू लगा हुआ है, उसके पास भी हम लोग जाते हैं। ये देखो गाइस, और कैसा लगता है यहाँ का नज़ारा आप देखो नीचे से। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये है वैभवगिरी माउंटेन रेंज जिसके अंदर ही इतनी सारी एक्टिविटी करने के लिए ब्रिज वगैरह बनाया गया है और आप देख सकते हो कि ये ब्रिज कितना ज़्यादा हिल रहा है। तो गाइज यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज घूमने के बाद और आधा से 1 घंटा आराम करने के बाद हम लोग अब वापस जाते हैं और हम लोग को अभी जिप लाइनिंग भी करना है, तो वहाँ चलते हैं अब।
गाइस देखो पुल कितना हिल रहा है। हाँ तो गाइस अब ये देखा आपने सस्पेंशन ब्रिज था ये, तो हम लोगों ने ग्लास ब्रिज देख लिया, सस्पेंशन ब्रिज देख लिया, थोड़ी देर आराम भी कर लिया। अब बस हम लोग जा रहे हैं, अब लास्ट हमारी एक्टिविटी है एक जिप लाइन की, वो 5 बजे तक खुला रहता है, अभी 3:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए फटाफट हम लोग जिप लाइन भी करके आते हैं, उसके बाद इस नेचर सफारी से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। चलिए तो दोस्तों जीप लाइन पे जाने के लिए हमें ई रिक्शा मिल गया है, और चलिए अभी जीप लाइन भी करके हम लोग निकलते हैं फाइनली यहाँ से। हाँ तो गाइस ग्लास ब्रिज से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है जीप लाइन की, तो हम लोग अभी टोटो से जा रहे हैं वहाँ जीप लाइन। और आप इसका ऊपर का व्यू देखो गाइस, तो गाइस जहाँ पे जिप लाइनिंग होती है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं, और ये देखो ये रहा ऊपर जाने का रास्ता, और यहीं से हम लोग अभी टिकट खरीदेंगे जिप लाइन करने के लिए, और फिर चलते हैं हम लोग जिप लाइनिंग पे, देखते हैं कैसा वहाँ पे एक्सपीरियंस रहता है हमारा। गाइस सुना है बहुत अच्छा लगता है ऊपर में जिप लाइनिंग करने में, तो चलिए हमारे साथ, मैं आपको काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाऊँगा।
तो गाइस हम लोग दो टिकट लेंगे, दो आदमी आ जाएंगे लोग। हाँ तो गाइस कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे दो वायर राइडिंग कर सकते हैं, एक वो सबसे ऊपर है वहाँ पे और एक ये वाला है। तो गाइस ये देखिए मेरे पीछे है जिप लाइन का टावर, और आप देखो इस चारों तरफ पहाड़ों की घाटी में इस जिप लाइन को बनाया गया है। देखो वहाँ से हम लोगों ने अपना टिकट लिया था, और इसके बाद हम लोग देखो एक जिप लाइन करके वो आ रही है। तो इसी तरह से हम लोग भी जाने वाले हैं, और आप देखो इसका ये पॉइंट यहाँ पे है। टिकट लेने के बाद हम लोग यहाँ से थोड़ा सा ट्रेकिंग करते हुए उस पॉइंट तक जाएंगे, वहाँ पे है, फिर वहाँ से जिप लाइन शुरू होते 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 फिर यहाँ हम लोग आ जाएंगे। हाँ तो गाइस जिप लाइनिंग करने के लिए मैं तैयार होकर सारा सेफ्टी हार्नेस पहन के ऊपर टावर पर आ चुका हूँ, और गोप्रो यानी जो हमारे पास एक्शन कैमरा था उसे तो लाने नहीं दिया उन लोगों ने, वो उन्होंने बोला ये वो अलाउड नहीं है। तो बिना कैमरे के ही मैं जा रहा हूँ, और आलोक नीचे से रिकॉर्ड करेगा कैसा लगता है देखने में। चलिए, और देखो ऐसा कुछ नज़ारा है यहाँ का। हाँ तो गाइस चलिए अब देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है हमारा जिप लाइनिंग का। अब मैं तो आपको कैमरा लेके जाके वहाँ दिखा नहीं सकता हूँ, तो चलिए ऐसे ही आपको दिखाता हूँ। आलोक नीचे से रिकॉर्डिंग करेगा, फिर उसके बाद मैं फिर रिकॉर्डिंग करूँगा, तो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए ये रहा ऊपर इसका टावर है, लगभग वो देखो मेरे पीछे मैं कहाँ से आया हूँ, लगभग आधा किलोमीटर ट्रैकिंग करके पहाड़ पे आना पड़ता है जिप लाइनिंग करने के लिए। चलिए बाप रे बाप। गाइस देखा आपने, काफी स्केरी लग रहा है। तो गाइस वो देखो आलोक भी आ रहा है सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट पहन करके जिप लाइनिंग करने के लिए, और अभी आपने देखा एक भाई को अभी जिप लाइन से भेजा गया है। अभी हम लोग हमारी बारी है अब जाने के लिए, एक और ऊपर गए हैं, उनके जाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे। गाइस वैसे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं दिया गया बिकॉज सेफ्टी रीजंस है, लेकिन मज़ा काफ़ी आया। अभी मैं इस जगह से फिर वापस नीचे जाने वाला हूँ, और भाई साहब एक बार एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी अच्छा है ये। तो गाइस जिप लाइन काफ़ी हमारा इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा, और उन भाई ने जो कैमरा ले जाने के लिए जो मना किया था, एक्चुअली वो सही ही मना किया था। बीच में जाके मैं इतना डर गया था कि शायद मेरा कैमरा हाथ से छूट जाता, और काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है गाइस। आपको एक बार अपनी लाइफ में जिप लाइन तो ज़रूर करना चाहिए, और हम लोगों को काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। और लगभग अभी जिप लाइन बंद ही होने वाला है, एक लास्ट वो देख सकते हो आप, ये लास्ट एक बंदा था जिसने जिप लाइन किया है, और तब तो हम लोग भी अभी जिप लाइन
कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग नीचे जा रहे हैं हिल के नीचे। उसके बाद अब हम लोग यहाँ से हवा हवाई लेके फिर इस नेचर सफारी से बाहर निकल जाएंगे। तो बस गाइज, ये था नेचर सफारी का वीडियो, और अब आप इसके दूसरे पार्ट में हम राजगीर के और भी काफ़ी सारे जो घूमने के जगह है उन सभी को घूम के आपको दिखाएंगे। तो बने रहना हमारे साथ, और बस इस वीडियो में इतना ही, और आप वेट करो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय बाय।